हे गाइस, वेलकम टू वॉच बिफोर यू बाय। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू सॉरी आज मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल, वो है कोलगेट से पाएँ गोरापन या फिर टूथपेस्ट से पाएँ साफ़ सुथरी और निखरी त्वचा। मेरे एक व्यूअर ने इस बारे में मुझसे बात की थी, सवाल किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस टॉपिक पर एक दो नहीं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और लोग इस प्रोसेस को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में कोलगेट से गोरापन मिलता है? क्या कोलगेट को चेहरे पर यूज़ करना सही है? क्या इस प्रोसेस का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी लोगों ने ये ट्राई भी किया होगा, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने भी आपको ऐसी सलाह दी हो कि यूज़ कोलगेट ऑन योर फेस। लेकिन क्या कभी किसी डॉक्टर या फिर डर्माटोलॉजिस्ट ने कभी किसी स्किन टाइप को ये कोलगेट रेकमेंड किया है? जो भी लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, क्या उन्होंने कभी ये प्रोसेस आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाया है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसी सब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएं या फिर सच में ऐसा मैजिक होता तो कॉस्मेटिक की शॉप्स पे हमें टूथपेस्ट ही मिलते और सब कंपनीज अपनी क्रीम में टूथपेस्ट का ही यूज़ करती। वो क्यों अपने प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करती जब कोलगेट से ही गोरे हो जाते? तो क्योंकि टूथपेस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आप वो स्किन पर लगाओगे तो स्किन को इरिटेशन फील होने लगता है। लगाने के तुरंत बाद ही आपको ऐसी फीलिंग आ जाएगी और स्किन पर जलन महसूस होने लगती है। सेंसिटिव स्किन वाले तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में सोचे भी ना। कई लोगों की स्किन गोरे होने की बजाय काली होना भी शुरू हो जाती है इसके यूज़ करने से। जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई जाती है, हमें उसी काम के लिए उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। सबका स्किन टाइप अलग होता है, किसी एक को सूट कर गई हो ये वाली प्रोसेस, इट डज़ नॉट मीन कि सेम इम्पैक्ट आपको भी मिल जाएगा। और अगर कहीं ये उल्टे सीधे चीज़ें करने के चक्कर में स्किन ख़राब हो गई तो पूरी लाइफ स्किन ट्रैक पे नहीं आ पाएगी। लास्ट में गाइज इतना ही कहूँगी, किसी भी ट्रेंड को बिना किसी लॉजिक के बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, स्पेशली फेस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मे बी छोटे मोटे पिंपल्स पर ये असर दिखा दे कभी कभार, बट पूरे फेस पर तो सोचना भी मत इसको अप्लाई करने के बारे में। क्योंकि अगर एक बार फेस ख़राब हो गया तो फिर किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाओगे, दिमाग में वही चीज़ घूमती रहेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चला ही जाएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।